हावी हो रही है, तो प्रभु सबसे उन्हें छुटकारा दे, प्रभु शैतान के जुए से उन्हें छुटकारा दे। हालेलुया हालेलुया सारे सारे रिश्तों में प्रभु चंगाई दे। हालेलुया 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 शुद्धता का जीवन, पवित्रता का जीवन प्रभु हम दास के। हालेलुया 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 वचनों का गूढ़ मर्म हमें समझा प्रभु। हालेलुया हालेलुया प्रभु तेरे तेरे राज के रहस्य को समझने की कृपा दे। हालेलुया 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 यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से हम स्तुति आराधना और उपासना करते हुए और तेरे नाम से ही हम ये मांगते हैं। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो अभी तक कुछ ही लोग आए हैं, थोड़े रुकते हैं और भी कुछ लोग ज्वाइन होंगे, क्योंकि आज ये जो है यूट्यूब पे नहीं दिया डाला जाएगा, आज केवल गूगल मीट हम यानी सॉरी जूम मीटिंग नहीं होगा। सबों से निवेदन है कि अपना माइक म्यूट ही रखें। आप जहां भी हो स्तुति करते रहिए जब तक कि दूसरे सारे लोग ना आए। हालेलुया 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 The fire of the Holy Spirit come upon us, the fire of the Holy Spirit, Pavitra Atma ki aag, hum sabho ke dilo mein Prabhu ke prati prem agni jalaye. Lord, may we be able to really love you and obey you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Prabhu, tumne kaha, jo mujhe pyar karta hai, meri aagyaon ka palan karega. Haan, Prabhu, tere pyar ke प्यार से प्रेरित होकर प्रभु हम तेरी आज्ञाओं का तेरे वचनों का पालन करें। प्रभु तू अपने मार्ग हम पर प्रकट कर। हालेलुया 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 थैंक यू जीसस प्रेज जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस यीशु तेरे पवित्र लहू से तेरे पवित्र खून से हमें दो प्रभु धो दे, हमें शुद्ध कर प्रभु सारे प्रकार के बुराइयों से प्रभु, आशंकाओं से, निराशा की आत्मा से, दुख की आत्मा से, उलझन की आत्मा से, मन में कई प्रकार की चिंताओं से, डर से। एक एक भाई बहन के जीवन में जहां पर भी कोई भी प्रकार के प्रभु ऐसी दुरात्माएं अगर उनके जीवन में कार्य करी है प्रभु, इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ शरीर के मन के और आत्मा के बंधनों से प्रभु छुटकारा दे छुटकारा दे छुटकारा दे। आज हम एक बहुत हमारी कलीसिया बहुत सुंदर पर्व मनाता है, माँ मरियम जो दुखों की माता है, लेडी ऑफ सोरोस। दुख इंसान के जीवन का भिन्न भाव है और इसी को दर्शाते हुए आज का पर्व हमारी माता कलीसिया हमें ये सिखाना चाहती है कि जैसे यीशु ने क्रूस उठाया और क्रूस के द्वारा मुक्ति हमें दिलाई है,
और यीशु के उस दुख भोग और क्रूस स्मरण में सहभागी उनकी माँ, वो भी हमें यही सिखाती है कि हम कैसे अपने जीवन में दुखों को स्वीकारें, परमेश्वर के हाथों के द्वारा स्वीकार कर दुख में जो महान प्रभु का रहस्य है, परमेश्वर के राज्य का सामर्थ्य जो हमारे जीवन के दुखों में हमें प्राप्त होता है, जो इंसान समझ नहीं पाता। और माँ जैसे मनन करती रही और क्रूस के साथ लिपटी रही, ठीक वही कृपा हम सबको प्राप्त हो जाए। जीवन के दुखों में हम कड़वे ना हो जाए, हमारे जीवन कड़वा ना रहे, बल्कि दुख विपत्ति और तकलीफ के समय हम प्रभु से और करीब आ जाए और हमारे जीवन में ईश्वर का कार्य अधिक मात्रा में उस समय प्रार्थना के द्वारा अधिक मात्रा में प्रभु का कृपा, प्रभु की कृपा और उनका सामर्थ्य हमें प्राप्त हो जाए। यीशु 40 दिन जब मरुभूमि में कितना कष्ट झेलते हुए उपवास प्रार्थना कर रहे थे, तो सामर्थ्य मिला उन्हें। इसलिए उस माँ ने माँ से यही सीखेंगे कैसे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में इतनी कठिनाइयां आने पर भी वो विचलित नहीं हुई, बल्कि हृदय की गहराई में सब कुछ प्रभु के हाथों से स्वीकार कर उनके दुख में सहभागी होते हुए वो प्रभु में और लीन होती रही, दासी बनती रही। यही कृपा हम सबको प्राप्त हो जाए। हम आज ग्रोसरी देंगे, 3 भेद बोलेंगे। ब्रदर रॉकी, यू कैन स्टार्ट। ओके दीदी, पवित्र क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हम आज प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गीय पिता से। हे पिता, हम अपने सभी दुख तकलीफ और जो भी कष्ट है, जो भी संकट है हमारे ऊपर, जो हम जो सहते हैं दिन भर, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं और उन सब दुष्ट शक्तियों से अलग होकर हम आपकी ओर अपना दृष्टि को हम लगाते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। हम इस वचन का सामर्थ्य मांगते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। दुख का पहला भेद, गेतसेमानी बारी में यीशु की प्राण पीड़ा होती है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हमारा आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे सन्मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना परम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना परम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना परम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना परम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना परम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे कि वे आदि में थे, अब हैं, अब है, उन काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे मेरे यीशु, यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कर नरक के आग से बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग प्रदान कर, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की विशेष आवश्यकता है। दुख का चौथा भेद, हमारे प्रभु यीशु भारी क्रूस ढोते हैं। और फादर हु आर्ट इन हेवन, हेलोड बी दाई नेम, दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Oh my Jesus. Oh my Jesus, forgive us our sins. Forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. दुख का पांचवा भेद, हमारे प्रभु यीशु को क्रूस पे ठोका जाता है, जहां वे मर जाते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हमारा आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु।
संत कन्या परमेश्वर की मां प्रार्थना करो पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय में। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की मां प्रार्थना करो पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय में। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की मां प्रार्थना करो पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय में। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की मां प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की मां प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की मां प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की मां प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की मां प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में आमेन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की मां प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमेन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की मां प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमेन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमेन। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कीजिए, नरक के आग से हमें बचाइए, सभी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कीजिए, विशेष करुण आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की विशेष आवश्यकता है आमेन। कुछ पल के लिए स्तुति करेंगे। अपने आप को प्रभु के क्रूस के नीचे खड़ा कर दीजिए। क्रूस के नीचे हमारे जीवन के सारे बंधनों को, पापों को प्रभु के सामने रखते हुए उनके दुख में भी हम सहभागी होकर ईश्वर की मुक्ति हमारे हम पे और हमारे सभी परिवार के लोग हमारे संपर्क में जो जो लोग आते हैं उन सबों को एक आशीष प्राप्त हो जाए। प्रभु जानते हैं कि उनके शिष्य को जब उसके नीचे दिखा तो जाने कि मेरे शिष्य कितने अकेले पड़ जाएंगे, इसे क्रूस पर से उन्होंने अपने शिष्य की ओर देखते हुए कहा, ये तुम्हारी मां है। हम सुबह को मां मरियम प्राप्त हुई है। एक ऐसी मां जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। क्या कोई मां अपने रूप बने बच्चे को बुला सकती है? वो बुला भी दे तो भी प्रभु कहता है मैं नहीं बुलाऊंगा। ये पुराने विधान में प्रभु ने कहा, पर नए विधान में प्रभु ने
जानू कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसा दर्द न हो कि उसका मां ही ना, इससे उसने अपनी मां दे दी। No man can live as an artist, journeying through love alone. If I am on the fire, प्रभु यीशु के नाम से हम सबको का स्वागत करते हैं। आज हमारा शायद आठवां या नौवीं बार हम प्रार्थना सभा में जुड़े हैं। तो आज हमने बताया था आपको
अध्याय 32 से लेकर 38 उत्पत्ति ग्रंथ Genesis chapter 32 to 38. This is what we are going to be reflecting. मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग पढ़े सभी अध्याय पढ़े हैं और जरूर प्रभु ने आपसे कुछ कहा होगा, सिखाया, कुछ बताया होगा आपके जीवन के बारे में. Every time you read the word, let you know whom you are receiving in your life. You are receiving Jesus in your life because word of God is Jesus. And secondly, whenever Jesus comes, he comes with his spirit. जबी भी वो आते हैं, तब अपनी आत्मा को लेकर आते हैं और आत्मा जरूर हमारे जीवन पर बहुत कुछ प्रकट करता है. So you have to, whenever you read the word, जबी भी आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो आत्मा से प्रार्थना करनी है. क्या प्रार्थना करनी है? कि ये वचन मेरे जिंदगी में कैसे लागू होता है, मुझे इससे क्या सीखना है, मुझे इससे क्या प्राप्त करना है, मुझे कहाँ अपने जीवन को बदलना है, कहाँ अपने जीवन में शुद्धता लानी है, प्रभु का मार्ग क्या है, प्रभु के विचार क्या है. एवरी टाइम यू रीड गॉड्स वर्ड यू हैव टू प्रे दैट. तो ये उद्देश्य से हम बाइबल को पढ़ते हैं और उसका अध्ययन करते हैं. तो बीते समय में हमने आपको बताया था कि कैसे याकूब जो कुलपति है अपने पिता को धोखा देकर आशीष लेकर चला गया था. कहां पर? लाबान के पास, अपने मामा के घर पदन आराम में. और हम वहां तक पढ़े कि उनके बच्चों को लेकर, उनकी दोनों पत्नियों को लेकर और उन पत्नियों को लेकर वो निकल पड़े हैं वापस. कहां? प्रभु ने कहा चलो तुम वापस चले आओ और बेथेल, यानी पहले तो अपने भाई को मिलना है, ईसाओ को मिलना है. और ईसाओ से प्रभु ने प्रेरणा दी है कि वापस मेल मिलाप करो, तुम गेट रेकंसाइल्ड विद योर ब्रदर ईसाओ फॉर व्हाट यू हैव डन. तो 20 साल के बाद वापस आ रहे, आफ्टर 20 लॉन्ग इयर्स जेकब इज रिटर्निंग बैक टू हिज होमलैंड. 20 साल कोई छोटा समय नहीं है. मान लो आप 20 साल अमेरिका गए और विदेश जाकर अब 20 साल के बाद वापस अपने घर लौट रहे हो, मन में क्या क्या विचार आते हैं, कितनी सारी उत्सुकता होगी और आशंकाएं होगी कि घर का माहौल कैसे होगा, लोग मुझे किस तरीके से स्वीकारेंगे, इतने 20 साल से कोई वार्तालाप नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई और अब वापस आए. तो 20 साल के बाद जब याकूब वापस आए तो मन में कई सारी भावनाओं को, यानी मन में कई उलझन थी भावना पर, सोच रहे कि बड़ा भाई ईसाव अब क्या करेगा, क्या अभी भी उसके मन में द्वेष है, क्या अभी भी उसके मन में बैर की भावना है कि मैंने उसको रोका दिया है. पता नहीं ना ईसाव के मन में क्या चल रहा है, उसे कैसे पता चल गया, ईसाव के साथ कोई वार्तालाप हुई नहीं. और अब 20 साल के बाद अब वो मुझे स्वीकारेंगे नहीं स्वीकारेंगे, क्या वो मुझे अभी भी मारने को तत्पर है. तो ये सारी बातें हैं. पर ये 20 साल के बाद याकूब के मन में जरूर उसके मन में, क्योंकि बीते समय में हमने जाना कि उसे एहसास हो गया कि मैं आशीष लेकर कहा कर, मैं तो नौकर की तरह काम कर रहा था. 20 साल में मैं ना सोया, ना अच्छी तरह से खाना खाया, मैं कड़ी धूप में काम करता रहा, मैं जाड़े के समय भी काम करता रहा. यानी उसे पता चला कि मैंने धोखा देकर पाप करके मुझे आशीष मिला नहीं, इससे अब वो पश्चाताप, उसे उसके मन में पश्चाताप है कि मैंने किया जो गलत किया, पापा को धोखा दिया, भैया को धोखा दिया, मुझे वापस आना है. इसलिए पश्चाताप ही हृदय लेकर वापस आ रहा है. जैसे उड़ाव पुत्र पिता के घर वापस आ रहे हैं, वैसे ही आपको वापस आ रहा है, वैसे ही आपको वापस आ रहा है. और मन में क्या सोच रहा है? जैसे उड़ाव पुत्र सोच रहा था, मैं पिता का दास बनकर बन रहूंगा, मैं पिता से कहूंगा पिता मैंने गलती की, मुझे अपना सेवक बना दीजिए, मुझे केवल एक दास, लेट मी बी अ सर्वेंट. वैसे ही याकूब सोचे कि मैं वहां पर केवल एक दास बन के रहूंगा. तो उत्पत्ति 32:5 ये वचन गौर करने योग्य है. Genesis chapter 32 verse 5 he says, what does he tell Esau? Esau से क्या कहते हैं? मेरे
मालिक मेरे स्वामी ईसाओ, वो कह रहे मेरे स्वामी ईसाओ से जाकर कहना कि आपका दास आपका सेवक आपके पास आ रहा है। बहुत सुंदर है वचन, देखिए क्या शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं। उसने उन्हें यह आज्ञा दी, तुम मेरे स्वामी ईसाओ से कहना आपके दास याकूब ने कहलाया है कि मैं लाबान के साथ था पर अब तक उसके यहाँ ठहरा, अब मेरे पास ये सब कुछ है, बैल गाय गधे भेड़ बकरियां, ये सब कुछ है दास दासियां, तब मैं अपने स्वामी के पास ये संदेश लेकर पहुंचा रहा हूं कि मैं आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकूं। यानी उसके मन में एक ही भावना है कि मैं अब ईसाओ पर अधिकार जताना, मैं बड़ा होना नहीं चाहता, मैं उसका सब कुछ छीनना नहीं चाहता, बल्कि मैं उसका दास बनकर अब मैं जीना चाहता हूँ, अब मैं अपने अनुसार नहीं जीना चाहता। उसके मन में वाक्य में पश्चाताप आया है, इसलिए वो ये कह रहे हैं। और अपने भेड़ बकरी और उसके बारे में क्यों बतला रहे, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि बीते समय मैं आपका सब कुछ हड़प लेना चाहता था, अब मैं आपका कुछ नहीं पाना चाहता, मुझे मेरे पास अपने लिए काफी है, मैं बस आपकी कृपा दृष्टि पाना चाहता हूँ, मैं आपकी कृपा दृष्टि पाना चाहता हूँ। तो जब संदेश वाहकों ने दूतों ने वहां ईसाओं को ये बतलाया, तो दूत ने वापस आकर क्या बतलाया कि 400 लोगों के साथ ईसाओ लौट रहा है। कितने लोगों के साथ? 400 लोगों के साथ। अब दाऊद के पास, तो दाऊद के तो उसके उसके पत्नियां और उसके बच्चे और उसके भेड़ बकरी और उनकी कुछ दासियां और कुछ के पास कुछ लेकर नहीं वापस आ रहा है। इसे दाऊद क्या याकूब मन में घबरा गया, क्या ये लड़ाई लड़ने आ रहा है, क्या मेरे साथ युद्ध करने आ रहा है। तो आज वो ये मन में सोच रहा है कि वो मुझे क्या नष्ट करने आ रहा है। देखिए हम जिंदगी में सभी लोग गलतियां करते हैं, पर हम अनेक बार जब वापस मुड़ते भी हैं तो मन में हमारे मन में क्योंकि हमने गलती की है, हमारे मन में आशंकाएं होती है कि अब सामने वाला व्यक्ति कैसे मेरे साथ व्यवहार करेगा, और मन में सबसे पहले नेगेटिव आता है। We always think negative that that person has some wrong intention and that's why he is dealing that way. उसने मन में यही सोचा कि जरूर वो मुझे नष्ट करने आ रहा है, पर क्या ईसाओ का ये विचार था? नो। सो बी परसीव, प्लीज ये बात को गौर करने वाली बात है, क्योंकि आज अनेक घरों में अनेक परिवारों में आज ये प्रॉब्लम हो रहा है। हम सामने वाले व्यक्ति को कैसे देखते हैं पता है? हम जैसे है ना, हमारे विचार जो है, हमारा जो मनोभाव है, उस तरीके से हम सामने वाले को देखते हैं। सामने वाला का वो उद्देश्य ना भी हो, हम उसको उसी तरीके से हम उसको देखते हैं। याकूब खुद गलत था, उसके मन में ग्लानी थी कि मैंने गलत किया, इसे अब वो यही सोच रहा है कि ईसाओ के 400 लोग को लेकर आ रहा है, जरूर मुझे नष्ट करने आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर भय था। पर ईसाओ का ये जरा भी मन में आगे बढ़कर आगे पढ़ेंगे कि ईसाओ के मन में ये विचार मात्र भी नहीं था। तो देखिए दाऊद याकूब की सोच कितनी गलत थी। तो हमारे जीवन में भी इससे कई बार हम गलत तरीके से लोगों को हम देखते हैं, या तो उनके उनके बारे में हम सोच लेते हैं या धारणा बना लेते हैं। पर याकूब काफी डरा हुआ था, घबराया हुआ था, इसलिए वर्ड्स वचन आठ में क्या लिखा है? हाँ, याकूब ने बहुत डर और उसे बहुत डर था और बहुत दुख हुआ इस बात को सुनकर उसके मन में बहुत डर और दुख था। एक और वो लाबान से पीछा छुड़ाया था, पर अब उसके अंदर मन में एक डर है, भय है कि अब क्या ये बदला लेना चाहता है। और एक बात है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27:45 27:45 में रेबेका ने कहा था याकूब को कि तुम जाओ, मैं कहलवा भेजूंगी, जब ईसाओ सही हो जाएगा तो मैं कहलवा भेजूंगी कि तुम वापस आ जाओ। पर रेबेका ने कभी उसको कहलवाया नहीं है, इसी उसके मन में अभी भी आशंका है, क्या अभी भी ईसाओ क्रोध में बना हुआ है, बदले की भावना लेकर आ रहा है। अब ये सुंदर बात क्या है, हम देखते हैं कि भले ही वो भय में है, घबराहट से भरा हुआ है, पर उस पलों में वो क्या करता है,
वो क्या करता है, वो वचन 10 में लिखा है वो प्रभु से प्रार्थना करता है। तो ये क्या सिखाता है, हमें क्या सीखना है इससे? याकूब से हमें ये सीखना है जीवन में डर होगा, भय भय वाली परिस्थितियां आएगी, पर उन पलों में हमें क्या, हमें घबराहट के कारण विचलित होकर चिंता नहीं करना करते बैठना है, बल्कि प्रभु के पास आना है, डर को लेकर प्रभु के पास आना है। तब याकूब ने प्रार्थना की, प्रभु मैंने मेरे पुरखे के इब्राहिम के ईश्वर और मेरे पिता इसहाक के ईश्वर, तूने मुझसे कहा था कि तुम अपने देश में अपने कुटुंबियों के पास लौट आओ, मैं तुम्हारी भलाई करूंगा। अब देखिए वो प्रार्थना में प्रभु को याद दिला रहा है, प्रभु तूने ये प्रार्थना की, यानी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। इससे हमें सीखना है, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु को याद दिलाना है, प्रभु ने जो हमें जो वादा किया है उसको याद दिलाना है, यानी हमें प्रभु का, प्रभु के वचनों का दावा कर रहे हैं, हम प्रभु को ये कह रहे हैं मुझे भरोसा है प्रभु तेरा वचन खाली नहीं जाएगा, इसे प्रभु तेरे वचन तूने कहा था ना कि तू मेरा भला करेगा, तो वही प्रार्थना में उसको बताना है। ऐसा करने से हमारा विश्वास भी बढ़ता है, ऐसा करने से हमारा विश्वास बढ़ता है। ये प्रार्थना का एक बहुत सुंदर स्वरूप है, यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में चिंता होगी पर हम प्रभु के वचनों को लेकर हम दावा करते हैं। कहते हैं वचन 11 में, तूने अपने इस दास के प्रति जो कृपा और सत्य प्रतिज्ञा का व्यवहार किया उसके योग्य मैं नहीं हूँ, यानी वो ये उसको ये भी एहसास है कि मैं पापी हूँ, यानी वो घमंडी नहीं है, वो दीन नहीं बात मान रहा है कि मैंने बहुत किया, जैसे फरीसी मंदिर में आकर दीन मानता है कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो उपवास करता हूँ, ऐसे दीन नहीं मान रहा है, बल्कि वो विनम्र है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, वो उस नाकेदार की तरह है जो कह रहा है प्रभु मैं पापी हूँ। इसी तरीके से याकूब बड़े विनम्र होकर कह रहा है कि मैं तो पापी हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ, तू तो बड़ा कृपालु है प्रभु, तेरी प्रतिज्ञता और तेरा व्यवहार तेरे साथ बहुत दयालु दया का रहा, पर मैं इस योग्य नहीं, मैं जानता हूँ मैंने पाप किया, क्योंकि मैं तो केवल अपना एक डंडा लेकर यर्दन नदी के पार गया था और अब इन दो दलों के स्वामी का मैं स्वामी बन गया। यानी उसको एहसास है कि प्रभु ने वाकई ही मुझे कृपा प्रदान की है, प्रभु ने मुझे आशीष दिया है। तो एक बहुत सुंदर प्रार्थना है, इस प्रार्थना का नमूना हम अपने जीवन में ले सकते हैं। जब हमारे जीवन में चिंता है तो हम याद कर सकते कि प्रभु ने हमें कैसे संभाला है, और दावा कर सकते कि प्रभु तू आगे भी हमें संभालेगा, तेरा वचन है, तेरा वादा है। अब वो कहता है कृपया मेरे भाई ईसाव से मेरी रक्षा कर, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वह आकर बच्चों सहित माताओं का और हम सब का नाश ना कर दे। यानी अपना भय भी प्रभु के सामने वो प्रकट कर रहा है। He is confessing all his weakness and he is confessing all the fear that he has in his heart. It's a very beautiful model of prayer and it is good to repeat God's promise to God, reminding of his word. Okay. Now, he is repeating what God said in Genesis 28:15. बीते समय मैंने आपको बताया था इसका दावा करना है। Genesis 28:15, जहां पर प्रभु ने कहा था, मैंने तुझे जो कहा है, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, और मैंने तुझे जो कहा है, वो मैं पूरा करके रहूंगा। So he's claiming that word. He's claiming that God, you said, तू मेरे साथ भला करोगे। इसलिए वो इस वचन का दावा कर रहे हैं। और वो ईसाव को मिलने से पहले ईसाव को अनेक सारे भेंट तोहफे चढ़ा रहा है, काफी भेंट, भेड़ों को बकरियों को भेज रहा। और ईसाव से हरमान ये कह रहे कि आपके दास ने आपको ये भेंट चढ़ाई है। तो ईसाव ये सोच में पड़ गया कि ये मुझे इतने सारे भेंट क्यों दे रहा है। पर दाऊद जानता था, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18:16, इसमें ये वचन क्या कहता है कि जो राजा को भेंट चढ़ाता है वो उनके दिल को काबू में कर लेगा। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18:16, सुक्ति, दैट इज प्रोवर्ब्स चैप्टर 18:16, प्रोवर्ब्स 18:16, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड दैट हाउ अ गिफ्ट कैन अपीज द गिवर।
the one who receives the gift. उपहार मनुष्य का मार्ग प्रशस्त करता है और उसके लिए बड़ा बड़ों का द्वार खोलता है। तो ईसा के दिल पर अधिकार लेने के लिए उसको कृपा मिले, इसने उसको कई सारे तोहफे दिए, कई सारे तोहफे दिए। पर अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक किस्सा आता है। ये किस्से पर हमें थोड़ा गौर करना है। अभी प्लीज सभी लोग ध्यान रखिए, अपना बाइबल निकालिए और ये बहुत सुंदर बहुत ही महत्वपूर्ण एक किस्सा है जहां पर दाऊद सॉरी याकूब के जीवन में एक बदलाव आने वाला है, एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव। और ये बदलाव आप सबों के जीवन में आना चाहिए। ये रात जो याकूब के जीवन में आई, ऐसी रात हम सबों के जीवन में आनी ही चाहिए। और ये है वचन 23 से लेकर, जहां पर एक स्वर्गदूत से याकूब की का विनंत होता है। वो जब वो स्वर्गदूत से वो लड़ते हैं, स्वर्गदूत के साथ वो लड़ते हैं, which means Jacob wrestles with God, वो एंजल के साथ वो लड़ाई करते हैं, वो कुश्ती करते हैं। तो हम पढ़ेंगे, थोड़ा हिंदी में पहले पढ़ते हैं, फिर हम इस पर बताएंगे। याकूब उसी रात को उठा और उसने अपनी दो पत्नियों को, दो दासियों और 11 पुत्रों के साथ यब्बोक नामक नदी के उस पार गया। तो ये यब्बोक नदी के उस पार जाएंगे तो तुरंत वो ईसाओ को मिलने वाले हैं। पर उसने क्या किया, यब्बोक के उस नदी को पार करवा के ये सारे अपने परिवार को भेज दिया। पर वो इस ओर इस तट पर अकेला रह गया। अब याकूब के साथ कोई नहीं है, याकूब अकेला है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी हमें सीखनी है। याकूब अकेला है और जब वो अकेला है, अब वो रात उसने कैसे बिताई है, वो रात उसने किसके साथ बिताई, क्योंकि उसके आज की रात वो 20 साल के बाद वो एकदम अकेला पड़ा है। वो हर रात तो पत्नियां या बच्चे या कोई ना कोई तो साथ होगा, पर आज वो अकेला है। और वो अकेला अब वो बहुत ही यानी अपने बीते हुए जिंदगी पर पूरा सोच रहा है कि मैंने क्या किया, क्या हुआ, मैंने किस तरीके से वर्ताव किया, अब मुझे आगे चलकर क्या करना है। ये प्रभु ने बताया तो हमें, पर मन में कई सारी उत्कंठाएं हैं। अब इस समय मन में ये भी सोच रहा है, मन में एक संघर्ष चल रहा है कि मैं ईसाओ के पास जाऊं या ना जाऊं, क्या वाकई मैं उससे माफी मांगू या ना मांगू, अब मुझे विनम्र बनना है, अब मुझे माफी मांगनी है, मैं ये करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं। ये द्वंद्व युद्ध चल रहा है उसके अंदर, एक युद्ध चल रहा है। ये युद्ध बाहर का युद्ध नहीं है, ये युद्ध अंदर का युद्ध है, जहां पर वो खुद अपने आप अपने जीवन के सारे पापी वृत्तियों से लड़ रहा है। और वो लड़ाई में उसका साथ कौन है, उसके साथ कौन है, उसके साथ स्वर्गदूत है। जबी भी बाइबल मैंने कहा पुराने विधान में स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत एक्चुअली वो यीशु का ही स्वरूप है, यानी ही इज फाइटिंग विद जीसस, नॉट अगेंस्ट जीसस। अगेंस्ट नहीं है, विरुद्ध नहीं है, वो प्रभु के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं बुराइयों पर जीतने के लिए। इट इज अ रेसलिंग, वो कुश्ती अपने ही जीवन की बुराइयों के साथ वो लड़ रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक बात शिक्षा जो हमें मिलती है कि हमारे जीवन में भी हमें भी लड़ना है। कैसे, प्रभु के साथ हमें लड़ना, बुराइयों पर जीतने के लिए लड़ना है। बुराइयों हमारे जीवन में जो कई सारे हमारी इच्छा, हमारे कई सारे वासनाएं, उन पर लड़ने के लिए हमें प्रभु के मदद की जरूरत है और प्रभु के साथ हमें इस पर अधिकार लेना है, प्रभु के साथ। इसलिए James chapter 4 verse 7 कहता है, प्रभु में अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुमसे भाग जाएगा। प्रभु के अधीन होकर शैतान का सामना करना है, तो वो वही कर रहा है, प्रभु के साथ वो ये लड़ाई लड़ रहा है। रोमियो का पत्र अध्याय 8:13 कि if you live according to your human nature you are going to die, but if you live according to the spirit you will put to death your
sinful actions and you will live. So you have to put to death your sin. उस पाप को मारना है, नष्ट करना है, उसके लिए आपको आत्मा की जरूरत है. इसलिए वो प्रभु के साथ को आत्मा से आत्मा की के सामर्थ्य के द्वारा को लड़ रहा है. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस एक्ट इज सो इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी चाइल्ड ऑफ गॉड, समझ लीजिए, ये जीवन की रात हम सबको जीवन में आनी ही चाहिए और आनी आती भी है और लगातार समय समय पर आती है. समय समय पर हमें ऐसी रात प्रभु के साथ बितानी है जहां पर हम अपने अंदर एक अपना मूल्यांकन करेंगे और देखेंगे क्या क्या प्रभु के विरुद्ध है और वो सारा प्रभु की अधीनता में लेकर आएंगे. सो इट इज एन इनर कॉन्फ्लिक्ट. जो संत पौलुस कहते हैं रोमियो के पत्र में कि मैं जो बुराई नहीं करना चाहता वो मैं करते रहता हूँ. तो जो बुराई नहीं करना चाहते वो प्रभु के अधीनता में लाते हैं. तो वी आर डीलिंग, वो अपने बीती हुई जिंदगी की सारी बातों को प्रभु के अधीनता में ला रहे. इट्स अ स्ट्रगल, ये अंदर एक स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल है. एंड वो स्ट्रगल में जान लीजिए ये जो स्ट्रगल है हमें वहां काफी कष्ट उठाना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रगल में हमें अपने आप को त्यागना है. यीशु ने जो कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो आत्म त्याग करे, आत्म त्याग. बिकॉज जीसस ऑल्सो सेड द पाथ इज नैरो, 7:13 मैथ्यू 7:13 में कहते हैं कि पाथ इज नैरो, द पाथ इज नैरो, संकरा मार्ग है और दो व्यक्ति साथ में नहीं चल सकते. इससे उस संकरे मार्ग पर एक ही व्यक्ति एक समय में चल सकता है. तो आपको आगे प्रभु को रखना है, आपको पीछे रखना है. और अगर अपने आप को पीछे रखना है यानी अपनी बातों को जाने देना है. तो आज तक याकूब अपने ही अनुसार चल रहा था, काफी चालाकी कर रहा था, पर अब उसे प्रभु के मार्ग पर चलना है और इसलिए वो प्रभु के साथ लड़ रहा है. तो जब वो लड़ रहा है पूरी रात भर लड़ा है. रात भर लड़ने पर आखिर में क्या हुआ, उस दूत ने, उस व्यक्ति ने दाऊद के जांग की जो नस है, जांग की जो नस है, उस नस को उसने उस पर प्रहार किया है. और उस पर प्रहार करने के कारण जांग की नस को प्रहार, वो जो हिप सॉकेट है, वो हिप सॉकेट में से वो जो हड्डी है वहां से बाहर हट जाती है. यानी बहुत जोरदार दर्द होता है, बहुत जोरदार दर्द होता है. तो द एंजल इज यानी वो इतना दर्द होता है कि अब वो दर्द होने पर भी दाऊद क्या, याकूब क्या करता है, याकूब प्रभु के साथ उनको जाने नहीं देता और कहता है कि प्रभु, यानी वो प्रभु ने उसको प्रहार किया, यानी उसका मतलब है कि प्रभु ने अब उसको अपने अधिकार में ले लिया है. प्रभु ने उसे अपने अधिकार में ले लिया, प्रभु ने उसको दर्द दिया नहीं, उसने अपने आप को छोटा कर दिया, उसने दर्द सह लिया और प्रभु जीत गए. फिर प्रभु जीत गए, फिर वो दर्द तो उसने ले लिया, पर फिर प्रभु से क्या कह रहा है कि प्रभु मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक आप मुझे आशीष ना दे. इस वचन का दावा करना है. 32:27 लिखिए उत्पत्ति 32:27 कि वी आर टेलिंग गॉड वी Eventually, Lord, we want you to bless us. जब तक आप हमें आशीष नहीं देंगे, हम जाने नहीं देंगे. तो ये रोज की आपकी प्रार्थना हो सकती है. सवेरे उठकर कि God, you bless me. Unless you bless me, I will not go. So it is such a beautiful prayer which Jacob says, I will not let you go unless you bless me. और जब इस तरीके से वो प्रभु के साथ बना रहता है, लड़ता रहता है, तो प्रभु ने उसका नाम बदला है कि अब तुम्हारा नाम याकूब नहीं बल्कि तुम्हारा नाम इसराइल रखा जाएगा. और इसराइल का मतलब है कि जो प्रभु के साथ लड़ता है, जो प्रभु के साथ लड़ता है. अब उस जगह का नाम उसने पिनियल रखा है. पिनियल यानी मैंने प्रभु के दर्शन किए. पिनियल एक ऐसी खास जगह है प्रभु के दर्शन. तो वो जगह कौन सी है, वो जगह, उसमें तीन चार बातें हैं, आप लिख सकते हैं. पिनियल वो जगह है जहां पर आप प्रभु के साथ लड़ेंगे, प्रभु के साथ अपने बुराइयों पर दमन करने के लिए लड़ेंगे. दूसरा, आप प्रभु के साथ लड़ने के बाद आप प्रभु के साथ चर्चा करेंगे कि प्रभु, हाँ मैं पापी हूं पर तू मुझे शुद्ध कर.
नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 1:18, नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 1:18 जहां पर प्रभु कहते हैं मेरे साथ चर्चा करो, तेरे पाप क्या सिंधु जैसे दाग है, मैं तुम्हें नील जैसा शेर बना दूंगा। सो यू रीजन आउट विद गॉड, यू फाइट विद गॉड, यू स्ट्रगल विद गॉड, एंड देन यू रीजन विद गॉड, एंड थर्ड यू सबमिट टू गॉड, यू सबमिट प्रभु के अधीनता को सिखाओगे। ये पिनियन की जगह आपके दिल में, सबों के दिलों में होनी चाहिए, जहां पर आप ये तीन कार्य करेंगे। जब ये तीन कार्य करेंगे तो आप प्रभु के दर्शन पाएंगे, प्रभु के दर्शन पाएंगे यानी आपको आशीष मिलेगा, आप प्रभु की कृपा के पात्र बन जाएंगे और प्रभु आपके जीवन में एक नया नाम देगा। नया नाम यानी आपके जीवन में एक नया कार्य करेगा, नया कार्य करेगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, इट शुड बी पिनियन, इट शुड बी, ये याद नाम याद रखिएगा, दिस इज कि प्रभु मेरे जीवन में भी एक पिनियन हो कि मैं जहां पर तेरे साथ लड़ू, तेरे साथ चर्चा करूं, तेरे अधीन हो जाऊं ताकि मैं तेरे दर्शन कर सकूं। और उसके बाद याकूब वहां से आशीष कमाया, पर उसके जांग की हड्डी को मारा गया था, इससे अब वो लंगड़ाते हुए चल रहा है, दर्द है, आशीष मिला पर दर्द है, लंगड़ाते हुए चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब जब भी वो चलेगा, हर कदम पर उसको याद रहेगा कि मुझे प्रभु के अधीन रहना है, मुझे प्रभु के अधीन रहना है, यानी अब उसके जीवन में आशीषों के साथ दर्द बना रहेगा। इसका मतलब क्या है, हमारे जीवन में मुक्ति आएगी पर मुक्ति के साथ क्रूस भी उठाना ही पड़ेगा, क्रूस के साथ ही मुक्ति मिलेगी, दर्द के साथ ही आशीष मिलेगा। इसका मतलब अब ये हुआ, ये समझ लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि याकूब को आशीष मिला पर आशीष में भी दर्द, हर कदम पर दर्द है, हर कदम पर, हर बार कदम रखता है जांग की हड्डी को, जांग की हड्डी को, यानी वो जिंदगी भर ये दर्द को नहीं भूल सकता, इस घटना को नहीं भूल सकता कि मुझे प्रभु के अधीन जीना है। और आगे हम जैसे पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 16 में, वहां पर भी बहुत सुंदर किस्सा है, जैसे यहाँ पर याकूब को नया नाम दिया गया इसराइल, वहां पर सीमोन को नया नाम दिया गया था, सीमोन को नाम मिला है पेत्रुस। तो मैथ्यू 16:16 में पीटर इज कन्फेसिंग क्या कि आप ईश्वर के पुत्र हो, तो प्रभु ने क्या कहा, धन्य हो तुम, इन्हें आशीष किया है, धन्य हो तुम पीटर, धन्य हो तुम सीमोन, तुम्हें ये जो वरदान मिला है, तुम्हें ये जो यानी प्रकट हुआ है वो मेरे पिता की ओर से मिला है। और फिर प्रभु कहते हैं तुम पीटर हो, यू आर द रॉक, तुम चट्टान हो जिस पर मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा, यानी प्रभु ने उसको एक नया दर्जा दिया है, नया दर्जा, जैसे याकूब को अब तुम इसराइल होगे, तुम्हें एक राष्ट्र बनोगे, अब पीटर को भी एक नया दर्जा दिया है। पर उसके बाद तुरंत ही यीशु कहते हैं अपने दुख भोग के बारे में, जब दुख भोग के बारे में बताते हैं तो पीटर वापस क्या कहते हैं, आपको ये दर्द नहीं सहना है, तब यीशु ने क्या कहा, शैतान दूर हट, यानी तेरे मन में विचार है वो प्रभु के विचार नहीं है, अगर तुझे आशीष चाहिए तो आशीष में क्रूस आना ही चाहिए। यही बात वापस आई, याकूब के जीवन में प्रभु ने जैसे प्रकट किया, ऐसे ही पीटर के जीवन में प्रकट किया है कि तेरे के तुझे आशीष कब मिलेगा, जब तुम क्रूस उठाओगे। पीटर तुम्हें क्रूस पर मरना है, मैं जैसे क्रूस पर मरूंगा वैसे तुम्हें भी क्रूस पर मरना है। हालेलुया। तो क्रॉस इज रोमियो की सरकार में क्रॉस वाज अ साइन ऑफ ह्यूमिलिएशन, वो तो लज्जा का एक चिन्ह था, पर वो लज्जा का चिन्ह नहीं, दुख का चिन्ह नहीं, या तो क्या बोलते ह्यूमिलिएशन, अ साइन ऑफ ह्यूमिलिएशन, वो चिन्ह दंड का चिन्ह अब आशीष का चिन्ह बनता है, यानी आपके क्रूस में आशीष है, क्रूस में आशीष है। और आज का तो, आज के दिन तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं जब ये सब मनन भी कर रही थी, मैं सोच रही थी वाह प्रभु, आज ही के दिन जब प्रभु ये माता मरियम के दुख हम ये जो पर्व मनाते हैं आवर लेडी ऑफ सोरोज, उसी दिन आज तू हमें ये सब प्रकट कर रहा है कि हमारे जीवन में भी जब दर्द हर कदम पर कई बार हमें दर्द मिलता है, तो हमें समझना है कि प्रभु उसमें भी आशीष दिए। हम अपने जीवन के दर्दों को अपनाए, याकूब के जांग की हड्डी को मार मिली तो उसने उसे स्वीकार किया है, यानी आपके शरीर में दर्द हो, मन में दर्द हो, आत्मा में दर्द हो, कहीं पर भी हो, तो
उसे स्वीकार करने के लिए उसमें आशीष है, उसमें आशीष है, कभी भी उसको नकारना मत, उसमें आशीष है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों, अब हम आगे बढ़ेंगे, अध्याय 33 की ओर जाते हैं। अध्याय 33 की ओर जाते हैं, तो अब मिलन होने वाला है। किसका झगड़, यानी लड़ाई तो लड़ लिए प्रभु के साथ, उसका तय हो गया कि मैं जरूर विनम्र, वो विनम्र बन गया है, उसको पता है प्रभु की क्या इच्छा है, मुझे ईसाओं के साथ मेल मिलाप करना ही है। अब मिलन की बारी आ रही है, वो वाक्य में अपने भाई ईसाओं को 20 साल के बाद मिलने वाला है, 20 साल। और 20 साल के बाद जब वो मिलने वाला है, अभी भी फिर भी घबराहट तो है, घबराहट तो है, जैसे पेत्रुस के, पेत्रुस नाम तो ले दिया पर अभी भी उसके मन में वो सीमोन का स्वभाव था, ऐसे ही याकूब के जीवन में भी वो स्वभाव तो है, अभी भी डर है। इसलिए वो पहले अपने उपपत्नियों को भेजता है, उपपत्नियों को भेजता है, उसके बाद अपने उसके बाद दिया को भेजता है, और फिर उसके बाद राहेल को, यानी अपनी अपनी बहुत ही चहेती पत्नी और उसके बेटे यूसुफ के साथ, और याकूब, ये लोग ईसा को मिलने आते हैं। यानी ये ऑर्डर भी दिखाता है कि यूसुफ किस तरीके से अपने परिवार को देखता है, और फिर वो 7 बार झुक कर फिर प्रभु ईसा के पास आता है। पर सुंदर बात क्या है, वचन 4, बहुत सुंदर वचन, बहुत सुंदर वचन। वाक्य में मैं जब ये पढ़ रही थी, मुझे अंदर से रोंगटे खड़े हो गए कि वाक्य में प्रभु किसी के जिंदगी में कैसे काम कर सकता है। वचन 4, ईसाओ जब मिलने आया है, ईसाओ जब मिलने आए हैं, तो ईसाओ किस तरीके से याकूब को मिलता है, याकूब तो डरा हुआ है, पर ईसाओ कैसे मिला। उधर ईसाओ उससे मिलने को दौड़ा आया, उसको गले लगाया और उसका चुंबन लिया। आपको ये वचन सुनकर कुछ याद आता है क्या, कुछ और कुछ याद आता है क्या, क्या याद आता है? प्रोडिगल सन, उड़ाव पुत्र की कहानी याद आती है। उड़ाव पुत्र भी कैसे पिता के पास आए, तो पिता दौड़े हैं, उसको गले मिले हैं और उसको चुंबन दिए हैं। ठीक वैसे ही ईसाओ पिता के समान बने हैं, अपने भाई के गलती की को नजरअंदाज, कोई हिसाब किताब नहीं, कुछ गिना शिकवा नहीं, बस दौड़े, गले लगाया और उसको चुंबन दिया है। और याकूब कहते हैं तो इतने सुंदर तरीके से उसका स्वागत किया कि वो सारी बीती जिंदगी की सारी मतभेद, ये सारा निकल गया, सारा निकल गया। देखिए याकूब क्या सोच रहा था, ईसाओ किस तरीके से इसको उसको उसका स्वागत करते हैं। तो ईसाओ के लिए जो बीता था, बीता वो बीत चुका, the past was passed, यानी वो it has passed away, रात गई बात गई। वैसे ही ईसाओ के जीवन में भी बदलाव आया था, उसके हृदय में भी कितना प्रभु ने काम किया था, यानी ईसाओ भी एक समय क्या था, पर प्रभु ने आगे चलकर, और इस व्यवहार के कारण हम देखते हैं कि ईसाओ के जीवन में भी आशीष आया है, ईसाओ के जीवन में आशीष आया है। तो क्या आज हम ईसाओ की तरफ बन सकते हैं, क्या हम ईसाओ के, देखो हम सभी गलतियां करते हैं, ईसाओ एक समय गलती किए पर आगे चलकर उसके जीवन में उसने भी पश्चाताप किया, उसने भी बदलाव लाया, क्या हम ईसाओ के समान बन सकते हैं। तो ईसाओ क्या करता है, ईसाओ जिस तरीके से प्रकट करता है, तो जिस तरीके से स्वागत करता है, तो याकूब क्या कहते हैं अध्याय 33:11 में कि मैंने प्रभु आपका चेहरा देखा, मैंने आपके दर्शन करना, यानी मैंने प्रभु के दर्शन किए। वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, मेरे लिए तो आपके दर्शन ईश्वर के दर्शनों के तुल्य है। यू वांट टू सी, यू इज टू सी द फेस ऑफ गॉड बिकॉज यू हैव बीन सो काइंड टू मी। अब सवाल आपको होता है, आप दूसरों के लिए प्रभु का चेहरा बन सकते हो? कैन यू बिकम द फेस ऑफ गॉड? किसी ने कुछ भी गलत क्यों ना किया, किसी ने आपके विरुद्ध कुछ भी, यानी अनाप शनाप क्यों ना बोला, किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, क्या आप उसको गले लगा सकते हो? तो आप भी ईश्वर का चेहरा उस व्यक्ति के लिए बन रहे हो।
समझ लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. यू कैन बिकम द फेस ऑफ गॉड फॉर देम. क्या प्रभु के लिए उनका चेहरा, दूसरों के लिए प्रभु का चेहरा बनने को पसंद करोगे? अरे हाँ या ना तो बोलिए, करेंगे या नहीं करेंगे. हमें भी दूसरों के लिए प्रभु का चेहरा बनना है. इतने प्रेम से स्वागत करना है, मन में कोई भी कड़वास नहीं, कोई भी कई लोग ना क्षमा देते हैं पर फिर भी बहुत सारी बातें सुना सुना कर क्षमा देते हैं. ये ऐसी क्षमा नहीं रहनी है, ऐसी क्षमा नहीं करनी है. या तो पूरे मोहल्ले को बता देते, घर के सभी लोगों को बता देते क्या क्या गलत किया, फिर कहते फिर मैंने उसको क्षमा कर दिया. ओ क्षमा नहीं है. सच्ची क्षमा ये है कि कोई भी बात किसी से ना करे, प्रभु को सारा समर्पित करे और उन्हें सब अपना ले, अपने भाई को अपना ले. ये बहुत एक सुंदर शिक्षा है जहां पर इस अध्याय से हमें सीखने को मिलती है. When you welcome your brother, this way you become the face of God. So we see in the life of Jesus, when he's on the cross, centurion, Shatpati जो नीचे खड़ा है, Shatpati ने भी क्या कहा था? वाकई में ये ईश्वर का पुत्र था. वो तो एक गैरयहूदी व्यक्ति है, रोमियो का सिपाही है, और उसने कैसे प्रभु के दर्शन कर लिए? क्योंकि उसने देखा यीशु ने क्रूस पर क्या कहा, पिता उन्हें माफ कर. उसने दिल खोल कर माफी दी है. तो यू कैन, इसे मैथ्यू 27:54 में है, मैथ्यू मत्ती का सुसमाचार 27:54 में वहां पर सेंचुरियन कन्फेस कर दे, शौर्य आई हैव सीन द फेस ऑफ गॉड. मैंने वाक्य में प्रभु के दर्शन, पिता के यानी ये पुत्र है, ईश्वर का पुत्र है, मैंने दर्शन किए. तो ये दिखाता है कि प्रभु ने प्रभु का चेहरा हम बन सकते हैं. That's why Jesus says, no, be merciful like the Father is merciful. तुम दयालु बनो जैसे तेरे पिता दयालु है. जब जब आप दया दिखाते हैं, पिता के समान का चेहरा बन जाते हो, चेहरा बन जाते हो. तो अब आगे 33:19 अब इस वचन पर गौर करेंगे. जेकब अभी भी अपने भाई इसाऊ अभी काफी खुल गया है, उसका दिल खुला है, उसके मन में कोई भी गिना शिकवा नहीं, कोई भी मतभेद नहीं, और वो कहता है चलो हम जाकर साथ में रहेंगे, चलो साथ में नहीं निकलेंगे. पर याकूब के मन में अभी भी डर है. याकूब अभी भी काफी थोड़ी चालाकी है उसके अंदर है, और वो कह रहा है भाई से, नहीं 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 आप आगे निकलो, हम बाद में आएंगे. तब कहते हैं कि अच्छा मेरे साथ आ जाओ, फिर भी वो नहीं आते और ईसाओ को आगे निकाल देते हैं और फिर वो कहाँ चले जाते हैं. ये वचन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आगे चलकर उनको पता चलेगा कि कहाँ पर याकूब ने गलती की. 33:19 में लिखा है कि वो कहाँ गए, वो शेकेम जाकर एक जगह में निवास किए. प्रभु ने उसको क्या कहा था, कहां जाना है, कहां जाना था उसको? 31:13 Genesis 31:13 निकालिए. प्रभु ने उसको विशेष रूप से बताया उसको कहां जाना है, उसको कहां के लिए बुलाया गया था, कहां के लिए लाभा को छोड़कर उसको कहां जाना था, प्रभु ने बताया था. Genesis 31:13 में प्रभु ने कहा तुम बैठे रहो जहां पर मैंने तुझे दर्शन दिए थे, जहां पर उसने सीढ़ी के दर्शन की पाए वहां पर उसको जाना था. पर ये बैठे नहीं जाते बल्कि कहां रह जाते हैं, शेकेम में रह जाते हैं. और ये एक प्रकार से उसकी प्रभु की आज्ञा का उसने उल्लंघन किया, प्रभु की आज्ञा का पूर्णतः उसने पालन नहीं किया. ये समझ लेना जब प्रभु की आज्ञा का पूर्णतः पालन नहीं करते तो हमारे जीवन में उसके लिए हमें कुछ ना कुछ झेलना पड़ेगा. प्रभु जब हमें कुछ कहते हैं, कुछ सोच समझ कर कहते हैं, तो क्यों गलती कहाँ हुई, वो यहाँ शेकेम में रह गए क्योंकि शेकेम बहुत ही एक सुंदर जगह थी, काफी लोग थे वहां पर, तो उसने वहां पर रह गए, वो बैथेल नहीं जाते और वहां पर उसने हामोर, वहां के जो भूपति है हामोर
से उसने एक जमीन खरीदी है, 100 चांदी के सिक्के लेकर देकर उसने वो जमीन खरीदी। तो आगे पता चलेगा कि उसने प्रभु के आज्ञाओं का उल्लंघन किया, इसलिए उसे और उसके परिवार को झेलना पड़ा है। हम अध्याय 34 में देखेंगे ये सारी बातें। हाँ, तो ये गौर करना है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर प्रभु ने हमें खास कुछ यानी स्पष्ट रूप से बताया, उसका पालन न करें तो उसका हमें नतीजा भुगतना पड़ता है। अध्याय 34 एक बहुत ही अजीब प्रकार का किस्सा दृश्य देखने को मिलता है बाइबल में, और बाइबल इसके बारे में बताए हैं एक बलात्कार के बारे में। इसका मतलब क्या है? ये पवित्र ग्रंथ में वाक्य में प्रभु ने कुछ छिपाया नहीं है, ये पवित्र ग्रंथ होकर भी ये इसमें सारी बातें, ये सारी बलात्कार की बातें हैं। बलात्कार की बातें तो अखबार में छपती है, कोई पवित्र ग्रंथ में तो नहीं छपी नहीं, पर पवित्र ग्रंथ में भी बताया है। यानी प्रभु बता रहे हैं कि इसमें कुछ देखिए इंसान क्या करता है, क्या करता है। तो देखते हैं, हम देखते हैं दिनार जो दाऊद और याकूब की बेटी है, याकूब की बेटी है, और सेकेंड में रहने पर वो हामोर का जो बेटा है उसका भी नाम शेकेम ही है, वो हामोर वो दिनार को देखकर बहुत मोहित हो जाता है और वो उसके साथ बलात्कार करता है। तो अब हमें इसमें कुछ सीखना क्या है, हमें क्या समझना है, कुछ आध्यात्मिक क्या संदेश है? सबसे पहली बात, याकूब का ये गलत फैसला था इस जगह पर रुकना, ये जगह प्रभु की चुनी हुई जगह नहीं है। दूसरी बात, ये जगह ऐसे लोग हैं जहां पर लोग गैर यहूदी कनानी लोग हैं, ये कनानी लोग हैं, इनके बहुत सारे यानी क्या बोलते ना गलत गलत प्रथाएं थी, उनका उनका दुनियादारी का स्वभाव था। तो ये दुनियादारी का स्वभाव, सांसारिकता, जिनको प्रभु का जीवन के बारे में कुछ नहीं पता, ऐसे लोगों के बीच में रह रहा है। ऐसे लोग जो संगति है उसका प्रभाव तो आएगा, जैसे मैंने आपको लोथ के बारे में बताया था, जो सोदोम और गोमोरा में था ना, तो उसके कारण उसके उसकी दोनों बेटियों ने पिता के साथ पता है गलत संबंध जोड़ा, मैंने आपको बताया था, याद है या नहीं याद है? हाँ, तो क्यों? क्योंकि प्रभाव आया। वैसे ही दिनार ऐसे जगह, दिनार वो क्यों शेकेम के ये बलात्कार की, क्योंकि उनके मन में ये सारे कि कोई भी लड़की के साथ ऐसा संबंध कर सकते हैं। और इसमें और कुछ भी सीखना है, मम्मी पापा को सीखना है, कुछ मम्मी पापा को कुछ सीखना है। माता पिता अगर अपने बच्चों पर नियंत्रण ना करे कि वो किनके साथ मिल रहे, किनके साथ घूम रहे, तो वो कई बुरी शक्तियों के शिकंजे में आ जाएंगे। याकूब से गलती हुई है यहाँ पर, उसने अपनी बेटी को घूमने जाने दिए, ऐसे कैसे घूमने जाने दिए। और एक बात भी, दिनार से भी गलती हुई है। दिनार अपने माता पिता का घर छोड़कर ऐसे कनानी लोगों के साथ घूमने गई है। What does it show? अपने पिता ईश्वर का घर छोड़कर हम जब दुनियादारी सांसारिक लोगों के बीच में हम जब उठेंगे बैठेंगे तो उनका उनके जिंदगी का जो की जो का जो पाप है वो हमारे जीवन में असर आता है। इस समझ भी हुआ। तो स्तोत्र संहिता साम 91 तो उसमें सबसे पहली बात क्या है? The one who abides in the shadow of the Almighty, जो सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में रहता है, है ना, जो उसकी छत्र छाया में रहता है, उसको कोई दुष्टता उसके उसके घर में महामारी नहीं आएगी, कोई भी रात क्या अंधेरे में भी उसको कोई भी प्रकार का मार नहीं लगेगा, यानी वो सुरक्षित रहेगा। अब वो पिता की छत्र छाया से बाहर निकल गए, सुरक्षा के कवच से बाहर निकल गए, इससे वो किसी की शिकार हो गए। अब हम जानते हैं कि उसके साथ बलात्कार हुआ और शेकेम काफी बहुत ही उसके
नाग को बहुत पसंद करने लगा, बहुत ही यानी वो चाहता था, इसलिए उसने अपने पिता हामोर से कहलवाया। और पूरी कहानी तो आपने पढ़ी होगी, और हामोर ने कहा कि हामोर के द्वारा कहलवाया कि मुझे इसके साथ शादी चाहिए। अब समझ लेना, बलात्कार कोई मामूली पाप नहीं है, बलात्कार जैसे ग्रेव से बहुत बड़ा पाप है। ये कोई किसी के चरित्र को अभंग कर रहे हो, किसी के शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उस मंदिर को अपवित्र कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप है। अब ये बात अलग है कि शकुन शादी बनाना चाहता है, यानी इस पाप को एक अलग ही स्वरूप देना चाहता है। उसने कई सही तरीके से चलो एक उसका निधान भी निकाला, और हामोर ने कह दिया, और ये याकूब को पता चला कि बेटी का बलात्कार हुआ है, पर अपने भाई उनके दोनों यानी बच्चों के लिए बेटों के लिए रुके रुके हुए हैं। तब जाकर जब उनको ये पता चला है, उनके भाइयों को ये पता चला, तो भाई बबूले हो गए, क्रुद्ध हो गए। तो ये तो नेचुरल है बहन के साथ ऐसा हुआ। तो पर जब पिता के यानी शकेर के पिता हामोर ने ये प्रस्तावना लेकर आए कि शादी बनानी है, तो उन्होंने बड़े चालाकी से मन में कपट है, क्या कपट है कि हम उनको आखिर में खत्म करेंगे। और वचन 34 पढ़िए, सी आवाज आ रही है। तो तीसरे दिन जब सभी पुरुष, सारे पुरुष दर्द में हैं क्योंकि खतना हुआ है, और दर्द में ऐसे ही अपने अपने घरों में अपने तंबुओं में हैं, तो सिमियों और लेवी ये दोनों भाई, ये दोनों जो याकूब के पुत्र है, ये दोनों पुत्र क्या करते हैं, वो जाकर सभी पुरुषों को तलवार के घात उतार देते हैं।
कितने बेरहमी से उन्होंने ये खत्म किया है। जब कोई दर्द में है इस तरीके से सबको सबको मारा, तो ये क्या बतलाता है? क्योंकि बलात्कार एक बहुत ही घिनौना पाप है, पाप का दंड आता है, पाप का परिणाम आता है। और आप जब ऐसा एक पाप करते हो तो ऐसा पाप, और वो भी जब कुल का प्रतिष्ठित व्यक्ति ये करता है, तो सारे कुल को भुगतना पड़ता है। तो इससे सारे कुल को ये भुगतना पड़ा, उनके सारे वहां के समुदाय को भुगतना पड़ा। इट इज सिन हैज अ कम्युनिटेरियन एस्पेक्ट कि सोसाइटी हैज टू सफर बिकॉज द मेन लीडर हैज कमिटेड सिन। तो सारे लोगों को ये झेलना पड़ा, तो सभी को ये यानी सभी मर गए। अब इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो काम किया है बड़ी घिनौने तरीके से काम किया है। जैसे कि मैं जब ये पढ़ रही थी ना, पता नहीं मुझे अचानक मेरे मन में क्या आया, पता है, जलियांवाला बाग का किस्सा आया। जलियांवाला बाग का किस्सा जानते हैं आप? जानते हैं नहीं? हाँ, यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए थे और बेचारे शांति में मीटिंग कर रहे थे, और वहां पर ब्रिटिश के कमांडर ने सब पर गोली चढ़ाने को कहा। जलियांवाला बाग में आज भी काफी वहां पर खून के धब्बे हैं और काफी लोगों ने किस तरीके से, तो इसी क्रूरता से उन्होंने काम किया है। मैं जब पढ़ रही थी मेरे मन में जलियांवाला बाग आया है। और ये भी दिखाता है कि जब हमारे अंदर क्रोध होता है, किसी के प्रति नफरत होती है, तो हम कितने क्रूर हो जाते हैं। और एक वचन मुझे और एक बात याद आई, यानी हिटलर की बात याद आई। हिटलर ने कैसे यहूदियों पर किस तरीके से अत्याचार किया था ना वैसे ही। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्रोध था यहूदियों के प्रति। तो ये क्रोध होने के कारण उन्होंने ये कदम उठाया। तो क्या दिखलाता है? क्रोध का जो नतीजा है, जो स्वरूप है, बहुत ही घिनौना है। इसलिए ये लिखिए ये वचन, क्योंकि आज हमारे घर परिवारों में भी कई लोग ना बहुत मन में क्रोध को बनाए रखते हैं, मन में गुस्सा, ये बैर की भावना, तो उसका नतीजा बहुत ही। तो स्तोत्र संहिता 37:8 Psalm 37:8 इट सेज क्रोध ना करो, इससे केवल दुष्टता, इसके द्वारा देते हैं ओनली ईवल, ऑपोजिट ओनली ईवल। सो दिस इज अ वेरी बिग ईवल जो बाइबल में हुआ है, कि एक तो पहले बलात्कार हुआ, और बलात्कार का भी उन्होंने प्रतिशोध या उन्होंने बदला कैसे लिया, इस तरीके से सभी को मार डाला। अब आपको लगेगा यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया, कुछ भी नहीं बताया गया है कि प्रभु ने गुस्सा किया, क्या किया, कुछ नहीं बताया गया है। और याकूब भी अपने भाई अपने बच्चों को कह रहे कि तुमने क्या किया, तुमने तो मेरा नाम बदनाम कर दिया, ये सब कहा। क्या प्रभु ने इसके पर ये संगति दी है कि उन्होंने पाप किया तो तुम भी उनको मार डालो? क्या प्रभु ने हाँ बोली है? नहीं, प्रभु कभी भी पाप को हाँ नहीं कह सकते। और पाप का प्रायश्चित या पाप का दंड देने के लिए दूसरा पाप नहीं करना है कभी। ये कभी ना सोचना, ये बात अलग है कि उनके द्वारा उनको दंड मिला, पर प्रभु ने कभी नहीं चाहा कि ये लोग इस तरीके से कदम उठाए। क्योंकि आगे चलकर हम पढ़ेंगे, अभी नहीं पता चलेगा, आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि जब याकूब अपने बच्चों को जब आशीष दे रहे थे ना, तो ये दोनों बच्चों को आशीष नहीं मिला, बल्कि उनको श्राप मिला है। और इसी कारण श्राप मिला है कि तुमने बड़े ही उत्तेजित होकर, आगे चलकर हम उत्तर में पढ़ेंगे Moses 49, तो वो आगे हम पढ़ेंगे। पर इसका मतलब ये है कि यू कैनॉट कॉन्कर ईवल विद ईवल, आप बुराई से जीत नहीं सकते। यू कैनॉट डू दैट कि उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी बुरा करूं। आज कई लोग ऐसा, यानी हम ये सारी बातों को हम अपने हाथों में लेते हैं। नो, प्रभु सेज वेंजेंस इज माइन, बदला लेना या न्याय दिखाना वो मेरा काम है, तुम्हें मेरे मार्ग पर चलना है, तुम्हें उन बातों को जाने देना है, क्षमा करना है, और तुम्हें आगे बढ़ना है। फिर न्याय कैसे करना, उनको कैसे सबक सिखाना, वो मेरा काम है। ओके, आगे बढ़ेंगे।
उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 35, उत्पत्ति 35। अब याकूब घबरा गया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 35, इसमें याकूब इतना घबराया हुआ है क्योंकि अभी उसे पता है मेरे आस सभी कनानी पुरुषों को मारा है उसने। अब ये सभी अगर खुद वापस बदला लेने को जाएंगे तो सारे यानी ये लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे, याकूब और उसके सारे बच्चे खत्म हो जाएंगे। तो अब इस समय प्रभु ने ईश्वर ने याकूब से कहा, उठो बैथेल जाकर वहां बस जाओ। देखो वापस मैंने कहा ना, प्रभु ने पहले जो आज्ञा दी थी वो आज्ञा का उल्लंघन करने पर क्या झेलना पड़ा, शक्कन में आकर रहे, इस कारण से क्या क्या बातें हुई। इसलिए प्रभु ने अब वापस आज्ञा दोहराई है, चलो बैथेल निकलो, बैथेल निकलो। यानी प्रभु ने वहां वही चाहा था, वही चाहा था। तो ये पूरा शक्कन का इंसिडेंट होता ही नहीं अगर वो बैथेल जाते थे। अब 34वें अध्याय में गौर करने वाली बात है, ये एक अध्याय ऐसा है जहां पर प्रभु नाम ही नहीं आता। इट इज नॉट देयर। आप देखो पूरा गौर करना, प्रभु ईश्वर ये शब्द का उल्लेख ही नहीं होता है क्योंकि यहां पर केवल पाप है, केवल पाप है। बलात्कार है, हत्या है, खून खराबा है, षड्यंत्र है, कपट है, ये सारा है, ये सारा है। अब इसके बाद अध्याय 35 में जब प्रभु कार्य करना शुरू करते हैं तो अनेकों बार 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 प्रभु कह रहा है, प्रभु कह रहा है, प्रभु कह रहा है, वो आता है। तो ईश्वर अब याकूब के साथ यानी डील कर रहे हैं, मैंने तुझे इज़राइल बनाया है, हाँ अब तुझे मेरे मार्गों पर चलना है, अब वापस उसको याद दिलाए, चलो वापस आ जाओ, बैठल आ जाओ, पश्चाताप करो और आराधना करो, भाई आराधना करो, यानी वापस पश्चाताप के लिए बुला रहे। तो ये बात यानी, और इसके लिए अब याकूब एक निर्णय लेते हैं। सभी लोग सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि ये हमारे जीवन से, हमारे परिवार से जुड़ी हुई बातें हैं। जब हमें पता है हमारे परिवार में कुछ गलत हो रहा है, हमारे परिवार में कोई कार्य सही नहीं, बच्चे पर भटक रही है, तो कुछ सही नहीं चल रहा है, तो घर का जो मुख्य व्यक्ति है, जो मुखिया है यानी जो प्रमुख व्यक्ति है, उसको ये फैसला लेना है। और याकूब अब ये फैसला ले रहे हैं, याकूब क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसके प्रभु ने कहा है कि तुम्हें जाना है बैथेल, तो प्रभु ने क्या उसने क्या कहा, इसलिए याकूब ने अपने परिवार और अपने साथ रहने वाले सबसे कहा, क्या कहा, अपने पास के पराए देवताओं को हटा दो और अपने आप को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल लो, तब हम उठकर बैथेल चले जाएंगे, तब हम उठकर बैथेल चले जाएंगे। तो ये उन्होंने ये क्या कहा, अपने पूरे परिवार को कहा है करने को। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी यहां पर क्या हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। और क्या कहा, अपने घर अपने कोई अपने पास कोई भी देव मूर्तियां हटा दो, ये देव मूर्तियां कहां से आई है, ये सारी देव मूर्तियां हम तो बताएं, राहेल ने देव मूर्ति चुराई थी लाबान से, फिर कनानी लोगों के साथ ये जो सीमा और रेवी ने काफी लूट सब मार कर सब कुछ लूट लिया था, उनका सोना, उनके देव मूर्तियां, उनकी काफी सारी चीजें गहने सब चुरा लिया था। तो ये सब ये लोग अपना रहे थे, यानी वहां के देव मूर्तियों को भी अपनाए थे। इससे याकूब को एहसास हो गया कि अगर प्रभु की आराधना करने के लिए सब कुछ निकालना होगा, इससे सारी देव मूर्तियां सार अपने आप को शुद्ध करने और वस्त्र उतारने, वस्त्र यानी वहां के जो तुमने जो तौर तरीके अपनाए थे, वहां की जो आराधना, वहां के रीति रिवाज जो तुम चला रहे थे, वो सब कुछ निकालो, अब हमें प्रभु का मानना है। ये बहुत अहम कदम है, क्यों, क्योंकि अब चलकर बैथेल में प्रभु याकूब आशीष देने वाले, और इसके द्वारा ही जब शुद्धिकरण होता है तभी जाकर प्रभु की रक्षा उनको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि पाप के द्वारा प्रभु की रक्षा से बाहर निकल जाते हैं।
बाहर निकल जाते हैं, पर अब जब पश्चाताप करते तो वापस प्रभु की रक्षा में आ जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि वहां के सभी उन्होंने क्या किया, क्या किया परिवार ने, क्या 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 किया, मैं वहां उस ईश्वर के लिए बेदी बनाऊंगा जिसने संकट से मेरी प्रार्थना सुनी। हाँ, जब वे जा रहे थे, नहीं सॉरी, तो उन्होंने याकूब को अपने पास की सभी पराई देवता दे दिए और अपने कान की बालियां भी दे दी। याकूब ने उनको सिक्किम के बलूत के पास काट दिया। अब ये वचन चौथा, उन्होंने क्या किया, सारी पराई देवताओं को तो दे दिया और कान की बालियां भी दी। अभी सुनिए, आपको क्या लगता है कि कान की बालियां यानी ये बालियां के ये पहनना क्या गलत है? हाँ, ये सारे गहने पहनने पर गलत है? नहीं नहीं, ये श्रृंगार की बातें नहीं है यहाँ पर। क्यों कान की बालियां? क्योंकि ये कनानी देश में जो प्रथा थी उसमें ऐसा था कि कान की बालियों में भी वो लोग कुछ ना जैसे ताबीज पहनते हैं, वैसे कान की बालियों में भी वो कुछ तंत्र मंत्र किए हुए कुछ पहनते थे, इसलिए उन्होंने कान की बालियां दे दी। जैसे आज हम कई कई लोगों को देखा होगा, अंगूठी पहनना तो श्रृंगार है, पर कई लोगों को पत्थर वाली अंगूठी पहनते हैं, है ना, जिसमें कोई लोग मानता आंदा करके जो पहनते हैं, तो वो गलत है। तो वो निकालने को कहा, यानी उन्होंने वो सब निकाला है। तो यानी अपने जीवन में जो भी परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा करने वाली बातें नहीं है, वो सारी संस्था ओझा पूजा या तो तंत्र मंत्र की बातें हैं, तंत्र मंत्र की बातें हैं, वो सारी बातों को उन्होंने अपने जीवन से हटाया है। और उन्होंने कहां गाड़ा है, बलूत के पेड़ के नीचे। अब बलूत का पेड़ एक ऐसा माना जाता था कि वो पेड़ के वहां कोई कुछ करेगा नहीं, वो बलूत का पेड़ उनको अलग से रखते थे, तो पेड़ के नीचे गाड़ा गया है। आज हम ये सारी चीजें हमारे जीवन में जो भी देव मूर्तियां हैं, हमारे जीवन में जो भी पाप है, वो कहाँ लेकर आते हैं, हम भी एक पेड़ के नीचे लेकर आते हैं। कौन सा पेड़ है, क्रूस का पेड़। हम भी क्रूस के, वी कम टू द फुट ऑफ द क्रॉस और वहां पर हम सब कुछ समर्पित करते हैं, वहां पर सब कुछ समर्पित करते हैं। तो यहाँ पर एक क्या बताया गया है कि द लीडरशिप रोल, यहाँ पर सीखना क्या है, द लीडरशिप रोल ऑफ अ मैन, जो पुरुष है उसको कैसे लीडर बनना है, उसको अधिकार देना है, और इसके द्वारा ये एक तरीके से प्रार्थना परिवार को प्रार्थना की ओर, आराधना की ओर लेकर आ रहे हैं। तो जहां पर परिवार प्रार्थना करता है वहां वाकई में वहां पर दुष्ट व्यक्ति रह नहीं सकता। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18, मैथ्यू 18:19-20, जहां दो या अधिक मेरे नाम से जमा होते हैं मैं वहां पर उपस्थित हूँ, जहां दो या अधिक प्रार्थना में जमा होते तो मैं वहां हूँ। यानी अगर आप प्रार्थना में इस तरीके से आते हैं तो जरूर प्रभु है, और नहीं आते हैं, प्रार्थना इस तरीके से नहीं करते, तो फिर कौन आएगा, क्योंकि दुष्ट ऑफ कोर्स एविल वन विल कम। तो आपके घर में अगर प्रार्थना नहीं होती, फैमिली प्रेयर नहीं होता है, पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती, तो जरूर आपके घर में भी ऐसी दुष्ट शक्तियां काम करना शुरू करेगी। इससे आपको ये फैसला लेना है कि हमें अपने जीवन की सारी देव मूर्तियों को निकालना है और प्रार्थना में प्रभु के सामने आना है। हाँ? अब आगे पढ़ेंगे वचन 5। जब वे वहां से जा रहे थे तो उनके आसपास के नगरों में ऐसा आतंक छा गया कि उनके निवासियों ने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया। What does that show? Why didn't they get the protection of God? Otherwise, they would not get the protection. There was a terror in the hearts of people around. अदरवाइज ऑल दीज, जो आसपास में रहने वाले सभी लोग इनको उनके साथ बदला लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है ये तो वाकई में बदला लेने के योग्य था, पर कोई भी उनको बदला ले नहीं पाए क्योंकि प्रभु का आतंक छा गया। तो इसका मतलब क्या है, जब आप अपने परिवार के साथ शुद्ध होकर, पवित्र होकर,
प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु आपके विरुद्ध कुछ नहीं आने देगा। प्रभु आपके जीवन में महान चमत्कार करेगा, आपको बचाएगा, सुरक्षित रखेगा। जोशुआ चैप्टर 3:5, जोशुआ 3:5 सेज, टुडे यू क्लेंस योरसेल्फ, अपने आप को आज पवित्र करो, कल जाकर तेरे आंखों के सामने मैं महान चमत्कार करूंगा। सो सैंक्टिफाई योरसेल्फ, उन्होंने अपने आप को सैंक्टिफाई किया है, प्रायश्चित किया है, पश्चाताप किया, सब कुछ निकाल बाहर किया, इससे प्रभु ने रक्षा की है। तो इससे इसका मतलब ये है कि जब प्रधान व्यक्ति, घर का प्रधान व्यक्ति जब पश्चाताप करता है, घर के सारे लोगों को रक्षा मिलती है। हम बाइबल में ये किस्सा कहाँ देखते हैं, प्रधान व्यक्ति जकेउस, घर का मेन व्यक्ति पश्चाताप करता है, प्रभु के पास आता है, इसको रक्षा मिलती है। आज घर में मुक्ति आई है ना, वही बात वापस आती है। तो इसे तुम यीशु में विश्वास करो, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुक्ति मिलेगी। हाँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिर प्रभु वापस उसको दर्शन देते हैं, आगे पढ़ेंगे कि प्रभु वापस उसको दर्शन देते हैं और उसको वापस ये वादा करते हैं कि ये भूमि मैं तुम्हें दूंगा और ये भूमि पर तेरे सारे वंशजों को ये भूमि मिलेगी। तो प्रभु आगे कुचलकर उसको वापस आशीष देते हैं। अब 35 अध्याय के वचन 16-17 एक घटना है। राहेल, राहेल को प्रसूति की पीड़ा होती है। राहेल को वो गर्भवती हुई है, एक बेटा था यूसुफ नाम का बेटा। आपको पता है राहेल को बच्चे नहीं हो रहे थे, पता है ना, बीते समय हमने आपको बताया था ये सब कुछ। और राहेल को अब वापस उसका गर्भवती हुई है, उसको प्रसूति की पीड़ा हुई और उसको एक बेटा होता है, पर प्रसूति की पीड़ा होते समय दर्द ज्यादा हो गया और उसके जीवन उसको बहुत ही कष्ट झेलना पड़ा और उस समय उसकी मृत्यु होती है। राहेल यानी याकूब की बहुत ही प्रिय पत्नी, उसकी मृत्यु होती है। तो अब जब उसकी मृत्यु होती है, उसको एक और एक बेटा होता है, तो और एक बेटा होता है और उस बेटे का नाम वो बेनोनी रखती है, बेनोनी रखती है। तो उसका मतलब क्या हुआ, दुख का पुत्र, उसका मतलब क्या हुआ, सन ऑफ सोरो, सन ऑफ पेन, सन ऑफ सोरो। और याकूब पर या लिखा है, याकूब उसको क्या नाम देता है, याकूब उसका नाम बेन्यामिन रखते हैं, याकूब उसका नाम बेन्यामिन रखते हैं, विच मीन्स द सन ऑफ माई राइट हैंड। उसका मतलब ये है, द सन ऑफ माई राइट हैंड, मेरे दाएं हाथ का पुत्र, उसका मतलब ये निकलता है। अब इसमें कुछ समझने वाली बात है, ध्यान रखिए, ये वो जगह है, ये वो जगह है, आगे अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि राहेल वहां मृत्यु हो गई और राहेल को उसे एफ्रात के अर्थात बेथलेहम के मार्ग पर दफनाया गया। तो ये राहेल कहां पर दफनाई गई है, बेथलेहम में दफनाई गई, और अनेक सालों के बाद वही बेथलेहम में एक और माता एक बेटे को जन्म देगी और वो दुख का पुत्र नहीं, वो ऐसा पुत्र है जो आनंद लाता है, हमारे यीशु मसीह। समझे, अभी समझे, दिस इज द कनेक्शन। तो इसलिए ऑन द सन ऑफ माय राइट क्या कहा, दुख, जो ये हमारा यीशु जो दुख को आनंद में बदलता है, हु टर्न्स योर सॉरो इनटू जॉय, एंड ये द सन ऑफ माय राइट हैंड, यीशु कहाँ है, यीशु पिता के दाहिने हैं, पिता के दाहिने विराजमान है, वही यीशु के रूप में, वही एट बेथलेहम आफ्टर इयर्स टुगेदर जीसस द मसीहा विल बी बोर्न। ओके, नाउ इट इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू लर्न हियर, दैट रेचल्स डेथ, द डेथ ऑफ रेचल, शी वाज यंग एंड शी डाइड वेरी अर्ली, काफी उसको तो ये तो दूसरा ही बेटा था, दूसरे बेटे में उसको इतना, यानी वो मर, वो उसकी मृत्यु होती है। क्यों,
तो कई लोग ऐसा कहते हैं, धर्मशास्त्री लोग कहते हैं कि ये कुछ कुछ उन्हीं की बातें जो उन्होंने कन्फेस की थी, राहेल ने कन्फेस की थी और याकूब ने जो कहा था, याकूब के एक श्राप के कारण राहेल की मृत्यु हुई है। तो कैसे हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 31, अध्याय 31 वचन 32, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 31 वचन 32 में ऐसा लिखा है कि जब राहेल अपने पापा के घर से निकली तो उसने पापा की कुछ देव मूर्तियां चुरा ली थी। वो जो देव मूर्तियां चुरा ली थी और लाबान जब आए याकूब के पास कहते हुए कि आपके आपके वहां किसी ने मेरी देव मूर्तियां चुरा ली, तो याकूब ने क्या कहा है, अगर यहाँ पर से मेरे वहां से किसी ने भी अगर देव मूर्तियां चुराई है तो उसकी जरूर मृत्यु हो जाए। ये किसने कहा था, श्राप के रूप में, और वो नहीं जानता था कि राहेल ने लिया है। तो ये वचन पूरा हो रहा है। और दूसरा एक वचन उत्पत्ति 30:1, उत्पत्ति 30:1, जहां पर राहेल को जब संतान नहीं हो रही थी तब वो और उसकी बड़ी बहन लिया को चार बेटे हो जाते, तब वो याकूब से क्या कहती, मुझे बच्चे दो, गिव मी चिल्ड्रन और आई विल डाई, गिव मी अ सन, मुझे बेटा दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी, आई विल डाई। अब वही हुआ, उसको बेटा मिला और उसकी मृत्यु। इसलिए हम जबान से क्या कहते हैं, क्या कबूल करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना? आगे चलकर एक और एक महत्वपूर्ण घटना पर हमें देखना है। याकूब का जो सबसे बड़ा बेटा है रूबेन, वो सबसे बड़े बेटे रूबेन ने क्या किया, रूबेन ने पिता अपने ही पिता की जो उपपत्नी थी, जो इसकी दासी है, जो लिया की जो दासी है, उस दासी के साथ जिसका नाम था बिला, उसके साथ रूबेन ने संसर्ग किया, रूबेन ने उसके साथ रिश्ता जोड़ा। किसके साथ रिश्ता जोड़ा है, पापा की जो उपपत्नी है उसके साथ बेटे ने रिश्ता जोड़ा, यानी उसने पापा के बिस्तर से बिस्तर को अपमानित किया। उस समय तो कुछ और ये याकूब को पता चला तो ये एक तरीके से पापा का अपमान किया, उसने पापा का अपमान किया, पापा का अनादर किया। वहां पर कुछ लिखा तो नहीं है, पर आगे क्या ये पाप है या नहीं, जरूर पाप। आगे चलकर हम पढ़ेंगे ये पाप के बारे में, रूबेन सबसे बड़ा बेटा है और सबसे बड़ा बेटे होने का उसका जो अधिकार है, पहलौठा होने का जो अधिकार है, जो आशीष है, वो उसको नहीं मिलता है। यानी पाप का दंड, पाप का परिणाम, आपने वो छिपा कर किया हो या खुलेआम किया हो या किसी भी तरीके से, पाप आपको आशीष से रोक देता है, पाप आपके जीवन में कृपा से वंचित कर देता है। समझना है इस बात। और आगे चलकर हम पढ़ते हैं कि इजहाक की मृत्यु होती है। इजहाक यानी याकूब, सोचिए याकूब 20 साल पिता से दूर रहे, और यहाँ पर रेबेका के बारे में बताया भी है, मैंने आपको बीते समय बताया था कि रेबेका का आगे चलकर उल्लेख आता ही नहीं है, रेबेका क्योंकि उसने ऐसा गलत काम किया था ना, तो उसका उल्लेख आता ही नहीं है। तो उसने नन्हे से नन्हे व्यक्ति को अगर तुम पाप में गिराने का कारण बनोगे तो धिक्कार है तुम्हें, वैसे उसको धिक्कारा गया है, उसका उल्लेख नहीं आ रहा है। पर इसहाक के बारे में बताया गया है कि इसहाक की मृत्यु होती है 20 साल के बाद, वो जब आते हैं यानी वो याकूब को मिला क्या ये सब करने के बाद, यानी पिता से भी अलग हुआ और पिता की बूढ़े उम्र में वापस आया और दोनों बेटों ने पिता को दफनाया। अब आगे चलकर अध्याय 36 में वहां पर सारी वंशावली है, पर उस वंशावली में किसकी वंशावली है, एसाव की वंशावली है। तो एदोम जिसका नाम उसको एसाव का एदोम भी कहा जाता था, और यहाँ पर वचन 7 में गौर करने वाली बात है कि अब उसकी संपत्ति एसाव
एक दूसरी जगह चले जाते हैं, वहां पर सीयर सीयर नाम के देश में चले जाते हैं। कारण लिखा है, अब उसकी संपत्ति इतनी अधिक हो गई थी कि एक साथ नहीं रह सकते थे, और उस देश में जहां वे रहते थे उसके घेरों को चलाने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं थी, इसलिए वो ईसाव सेर के पहाड़ी प्रदेश में बस गया। तो ये क्या दर्शाता है? ईसाव ने पापा सॉरी उसने अपना धर्म सिद्ध अपने जन्म सिद्ध अधिकार बेचा था, पापा का अधिकार पापा का आशीष नहीं मिला था, पर उसको आशीष फिर भी मिला है। क्यों? क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, उसने अपने भाई जिसने उसको धोखा दिया था उसको माफी दी है, यानी वो वाकई में ईश्वर का कृपा पात्र बन गया। आप जब जब क्षमा देते हो ना, तब आपके जीवन में जरूर प्रभु का आशीष उतरता है, जरूर, बिकॉज आप दया दिखाए हो पिता के समान, तो उस कारण से उसको आशीष मिला, उस कारण से वो फला फूला उसको मिला। अब हम अध्याय 37 और अध्याय 38। हम पहले ना अध्याय 38 पढ़ेंगे, क्योंकि अध्याय 37 से यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं। आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? सब कुछ पढ़े या नहीं पढ़े ना? अध्याय 38 में एक अलग ही किस्सा, अभी जैसे यहाँ पर दीना का बलात्कार हुआ, ऐसे एक अलग प्रकार का किस्सा अध्याय 38 में पढ़ने को मिलता है। अध्याय 38 में हम देखेंगे यूदा, जो याकूब का तीसरा बेटा है, वो अपने भाइयों को छोड़कर अपने पिता को छोड़कर वापस दूसरे देश चला जाता है, कनानी लोगों के साथ रहने निकल जाता है। और वो कनानी लोगों के साथ, यानी एक पहली गलती उसने ये की कि उसने अपने पापा का घर छोड़ दिया, और कनानी नगर जहाँ पर प्रभु ने मना किया था वहां जाता है, और वहां पर किसी एक स्त्री को देखकर, शुआ नाम की एक स्त्री है जिनके साथ उनकी उन्होंने शादी रचाई। अब प्रभु ने तो खास कहा था कि तुम इन लोगों के लोगों इन जातियों के बेटियों से ना तुम शादी करोगे, ना तुम अपने ना उनकी अपनी बेटियों को वहां शादी में दोगे। प्रभु ने कहा है ना, इनके साथ शादी नहीं बनानी है ना शादी करनी है। तो ये करने पर उसने तो, यानी उसने तो पहले पाप किया है, यानी दिस इज समथिंग कॉल्ड अनगॉडली मैरिज, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट गॉड वांट्स। अनगॉडली मैरिज इज एन अनवाइज मैरिज। इसे शादी के बारे में प्रभु बार बार कहते हैं, जिनके साथ हम शादी कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के भी साथ ऐसे शादी नहीं कर सकते। तो शादी करने के बाद उनको तीन बेटे होते हैं, और तीन बेटों के नाम है एर, ओनान और शेला, ये तीन बेटे। और शादी होने के बाद एर बड़ा बेटा जो है उसकी भी शादी हो जाती है एक कनानी स्त्री के साथ जिसका नाम है तमाम। ये सारी बातें ये क्यों बाइबल में लिखी गई है? क्योंकि ये दोनों ये पात्र काफी महत्वपूर्ण पात्र है। आगे चलकर हम देखेंगे कि ये पात्र कितना महत्व रखते हैं। भले ही कनानी है, पाप होता है, पर कैसे परमेश्वर उनका भी इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर उनका इस्तेमाल करते। तो एर की शादी हुई है तमाम से, तो वही क्या कनानी स्त्री है। अब लिखा है एर प्रभु की दृष्टि में बहुत दुष्ट था। अभी क्या दुष्टता की थी वो तो किसी को पता नहीं है, पर जैसे उसने ये दुष्ट प्रभाव है ना, इसे उसके जीवन में कुछ दुष्ट था, इस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। अब लिखा है कि प्रभु ने उसको मार डाला। अब समझना है, पुराने विधान में जब भी ऐसा वचन आता है ना, प्रभु ने उसको मार डाला, कि ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि वाकई में प्रभु ने उसको मारा है। प्रभु ने नहीं मारा है, उसका पाप उसके विरुद्ध आया है, उसकी दुष्टता उसके विरुद्ध आई है। क्योंकि हम रोमियों के पत्र में पढ़ते हैं 6:23 में क्या है, तेरा पाप सॉरी 6:23 में क्या लिखा है, पाप का वेतन है मृत्यु। पाप का वेतन है मृत्यु, यानी उसके पाप के नतीजे स्वरूप उसको मृत्यु मिल रही है। कभी ऐसा नहीं समझना कि पुराने विधान में जब भी ऐसा कुछ लिखा है कि प्रभु ने यह किया, तो वो लोग उस समय ऐसा कहते थे कि हाँ सब कुछ प्रभु के द्वारा ही होता है। सब कुछ प्रभु के द्वारा नहीं होता है, एक आपका पाप भी काम करता है, आपका न दंड आता है, और वहां पर वो दंड क्योंकि आपने पाप किया है तो, और उसके लिए पश्चाताप नहीं किया तो वो दंड प्रभु न्यायी भी है, तो वो दंड आपके जीवन में आने देते हैं। इसलिए
वो उसकी मृत्यु होती है। अब तमार को बगैर संतान के मृत्यु हुई है, यानी सॉरी उसके पति गुजर गए। वहां पर उस समय एक प्रथा चलती थी कि अगर पत्नी यानी को आपके भाई की पत्नी उसको कोई संतान या भैया गुजर जाते हैं तो दूसरे भाई का फर्ज बनता है कि उनके साथ शादी हो जाए, उसको डीड राइट, द लॉ ऑफ डीड राइट मैरिज कहते हैं। तो उसका दूसरा जो बेटा था जिसका नाम था ओनान, ओनान ने उसके साथ शादी बचाई। ओनान ने किसके साथ? तमार के साथ शादी बचाई। और शादी बचाने के बाद वो जब यानी वो जो शादी का संबंध जोड़ते हैं, पर लिखा है कि ओनान शादी का संबंध तो जोड़ रहे थे, शारीरिक संबंध तो जोड़ रहे थे, पर उसको संतान नहीं चाहिए थी, उनको वो संतान नहीं होने के लिए कार्य कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? शादी का एक मकसद क्या है? शादी का मकसद है कि साथ में जियो, और साथ में जिन सबसे पहला प्रभु ने उत्पत्ति ग्रंथ में आज्ञा क्या दी है कि तुम पूरा करो, फैल जाओ। शादी का एक संबंध है कि परिवार को बढ़ाना है, पर यहाँ पर वो परिवार को बढ़ा बच्चों को नहीं पाना चाहते। तो इसका मतलब ये हुआ, प्रभु जब कहते हैं ना, यीशु क्या कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को आप जब रोकते हो तो आपके जीवन में क्या आता है? आपके जीवन में पाप आता है, आपके जीवन में पाप आता है। तो प्रभु जो चाहता है आपको देना, उसको आप किसी भी तरीके से, या तो गर्भपात के द्वारा या तो किसी अन्य तरीके से, अगर आप बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते, प्रभु ने कहा नन्हे में से किसी को भी तुमने अगर मेरा स्वागत, तुमने उनका स्वागत किया तो तुमने किसका स्वागत किया? मेरा स्वागत किया। If you welcome anyone of these little ones in my name, you welcome me. तो आप जब बच्चों को मना करते हो, नकारते हो किसी भी तरीके से, तो you are not allowing God to come in your life, which means you will not get a blessing, but you will be in sin. इसलिए प्रभु की दृष्टि में ये पाप था, और वो पाप का नतीजा ओनान की भी मृत्यु होती है। अब जब दोनों बेटों की मृत्यु हो जाती है, तो अब तमार को तीसरे बेटे को देना है, शैला को देना। पर यूदा घबरा गए कि अरे ये बहू मेरी, शायद वो मेरे तीसरे बेटे को भी निकल जाएगी, इसे नहीं देते। और हम आगे चलकर पढ़ते हैं कि यूदा इसी तरीके से बर्ताव करता है, और तमार एक बार अपने ससुर जी के साथ, क्योंकि सचू ससुर जी ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, तो उसने, क्योंकि वो तो विधवा है, और विधवा होकर उसने उसको पिताजी के घर रह रही है, और अब विधवा ही बने रहना, वो नई शादी भी नहीं बना सकती क्योंकि शैलाब है, तो ससुर जी जो नियम है उसके अनुसार उसको उन्हीं के साथ शादी करनी होगी, यानी वो अपने भी अपना भी जीवन नहीं बिता सकती ना, विधवा अब विधवा ही रहती है। इससे उसने अपना न्याय पाने के लिए ससुर जी के साथ उसने संबंध जोड़ा। ये तो बहुत ही अजीब बात है ना, एक बहू अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध जोड़ रही। तो जरूर ये तो बात गलत है, पर हम समझते हैं आगे चलकर उसके ससुर जी को, यानी याकूब सॉरी यूदा को इस बात को पता चलता, और वो यूदा गुस्सा क्रोधित हो जाते हैं कि अरे मेरी बहू ने यानी व्यभिचार करके, ये जो क्योंकि वो ससुर जी के कारण जब वो संबंध होती है, वो गर्भवती होती है, तो पता चलता है कि आपकी बहू गर्भवती है, तो ये बात को लेकर यूदा क्रुद्ध होकर कहते हैं कि मैं उस पर दंड दिखाऊंगा, दंड दूंगा क्योंकि उसने व्यभिचार का पाप किया। पर जब तमार एहसास दिलाती है कि ये आप ही के संतान है, तो यूदा को एहसास होता है कि हाँ, मैं जो पाप कर रहा हूं वही पाप मैं मेरी बहू पर थोप रहा हूं, हाँ मेरी बहू पर, यानी अब उसको एहसास हो रहा है कि मैं मेरा गलती मैं पापी हूँ, और वही पाप में दूसरों पर दोष लगा रहा। तो क्या यही बात पापी ने स्त्री का नहीं हुआ? पाप के व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई थी, सब लोग यीशु के पास उसको लेकर आए और सब कह रहे हैं अरे दंड, पत्थर दो, पत्थर मारो, पत्थर मारो। अब यीशु ने क्या कहा? तुम में से जो निष्पापी है वो पहला पत्थर उठाए, है ना? वही बात हुई। तो यूदा वही कर रहे, पर जब यूदा को एहसास हुआ कि ये मेरी बहू वाकई में धार्मिक है, मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, तब यूदा कन्फेस करते हैं। अध्याय 38 वचन
एंड में कन्फेस करते हैं। हाँ, वचन 26 में कि ये स्त्री मुझसे कहीं अधिक निर्दोष है क्योंकि मैंने ही उससे अपने पुत्र शोला का विवाह नहीं किया और उसका उसके साथ फिर संसर्ग नहीं हुआ। तो यानी यूदा ने कन्फेशन किया है। यहाँ पर पहली बार कन्फेशन वापसीना के बारे में आया, वो भी पब्लिक कन्फेशन, उसने समाज के सामने कबूल किया मैंने पाप किया, मेरी बहू का ये दोष नहीं है, बहू का दोष नहीं। और यूदा ने पश्चाताप किया। अब यूदा ने, उसको एहसास हो गया कि मैंने जो किया वो गलत किया और सुंदर बातें उसने प्रायश्चित किया। उसके बाद उसने कभी अपने बहू के साथ संबंध नहीं जोड़ा और उसके बाद यूदा ने कोई पत्नी भी नहीं बनाई है। तो यूदा ने प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया, इसलिए अब जब तमार के द्वारा बच्चे होते, दो बच्चे होते, पेरेस और जेरा, तो ये दोनों ने पाप किया था। पर लिखते हैं, देखिए सुंदर बात, हमें समझने वाली बात है कि आगे चलकर यही पापी लोग, क्योंकि प्रायश्चित किए हैं और पश्चाताप किए हैं, यही लोगों के वंशावली में यीशु मसीह आते हैं। यीशु को यूदा का सिंह कहा जाता है ना, कितनी सुंदर बात, कितनी सुंदर बात। इसलिए तमार का नाम और यूदा का, पेरेस का नाम कहां पर आता है? यीशु की वंशावली में आता है। मत्ती 1:3 में अपना नाम पढ़िए, तमार का नाम, चार औरतों का नाम आता है, चार औरत में एक नाम औरत कौन है? तमार, जिसने अपने ससुर जी के साथ पाप किया। तो ये क्या दर्शाता है कि हमारा ईश्वर पापियों के जीवन में आकर उनके जीवन में जब प्रायश्चित करते हैं, उनके जीवन में भी महान कार्य कर लेते हैं। हाँ, तो ये दिखाता है। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 37। समय थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा करते हैं ये जाने दीजिए, क्योंकि ये 37 अध्याय जो है बहुत आध्यात्मिक संदेश है, इतने सारे संदेश है कि पूछो मत। और उसमें अगर आप आगे भी पढ़ेंगे फिर पूरी यूसुफ की कहानी आती है। आज जाने दीजिए, हम अगली बार ही यूसुफ की कहानी पर पूरा हम बराबर से उसमें जाएंगे। ओके, पर आज हम इस पूरे समय से, पर यूसुफ की कहानी से एक बात जरूर कहनी है। यूसुफ एक ऐसा, अच्छा यहाँ पर हम आपको कुछ पावर पॉइंट दिखाना चाहते हैं, हम आपको याकूब का कुछ किस्सा, यहाँ पर एक कुछ डिफ्रेंसिएशन बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम एक नए वंश की ओर जा रहे हैं, एक नए पीढ़ी की ओर जा रहे हैं। अब तक इब्राहिम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, अब याकूब के बाद यूसुफ की पीढ़ी आएगी। तो अब हम समझेंगे कि प्रभु कैसे लोगों को चुनता है, कैसे प्रभु कहता है मैं इब्राहिम का ईश्वर हूँ, इसहाक का ईश्वर हूँ, याकूब का ईश्वर हूँ। पर ये देखिए ईश्वर कैसे काम करता है, इब्राहिम कैसा था, इसहाक कैसा था, याकूब कैसा था, पर प्रभु फिर भी उनके जीवन में काम किया। अब देखिए गॉड्स चॉइस ऑफ अब्राहम फैमिली, ही आल्सो सेव मैनकाइंड, प्रभु ने मनुष्य जाति को बचाने के लिए इब्राहिम को चुना। तो इब्राहिम को कहा था कि मैं तेरे द्वारा सभी राष्ट्रों को आशीष दूंगा। तो गॉड चूजेस वन फॉर सैल्वेशन ऑफ यीशु बड़ाई। आप बंद कीजिए, बंद कीजिए। हां सबसे करने का आप अपना माइक बंद कीजिए। ओके ओके, सो In 1 Timothy chapter 2 verse 3, chapter 2 verse 3 and 4, God wants everybody saved. परमेश्वर का यही सत्य है, परमेश्वर चाहता है सभी लोग बच जाए। पर प्रभु ऐसे लोगों के द्वारा भी कैसे काम किया? इब्राहिम का स्वभाव कैसा था? इब्राहिम, what was the character of Abraham? What was the character of Abraham? Abraham was a righteous man. Next slide. Abraham was a righteous man. God God's choice are not according to human standards. As Jesus also chose the Pharisees, it was just ordinary fishermen and tax collectors. So, nor Abraham, nor Isaac, nor Jacob, none of them are real perfect people. But we can see the startling differences amongst each person. So, God's choice is not as per human, but God still works in that also. So, Abraham is known as a father of faith. Uska vishwas kaisa tha? He was a man of ईश्वर का व्यक्ति है, मैं न्याय करने वाला व्यक्ति है,
अपराइट, वो धार्मिक व्यक्ति है, वो अपने पड़ोसियों को प्यार करने वाला व्यक्ति है, ऐसा जो दूसरों कभी दूसरों के साथ छल कपट नहीं करने वाला ऐसा व्यक्ति है, जिसने सब कुछ छोड़ने को तैयार था, अपने पिता का घर भी छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, अंदर प्रभु पर पूरा विश्वास करके वो एकदम आज्ञाकारी बना, और क्या भक्ति दिखाई है उसने ईश्वर के प्रति, इसलिए वो हम उसको ये क्या क्या विश्वास का पिता कहते हैं। एब्राहम जैसा फेथ, द विशुद्ध द फेथ ऑफ एब्राहम वाज अनफैथमेबल, ही कैन नॉट एवर कंपेयर द फेथ ऑफ एब्राहम टू एनीबॉडी एल्स, देयर इज नो वन लाइक एब्राहम। But now we come to Isaac. Isaac, what sort of person was he? Isaac was a simple man, but he was obedient. जैसे जब उसको बलि भी चढ़ानी थी तो वो ओबीडियंट बना, वो पिता का आज्ञाकारी बेटा बना, आज्ञाकारी बना, बट ही वाज अ सिंपल मैन, ही वाज फॉरगिविंग इन नेचर, ही हैड गुड क्वालिटीज, पर वो सिंपल, एक साधारण ऑर्डिनरी मैन। आइज़ैक के बारे में इतनी सारी बातें बाइबल नहीं बताती है, so he had, so it is not much mentioned. So Abraham is a righteous man, Isaac is just an ordinary man, and now we come to Jacob. Okay, on comparing, okay, Jacob's life. Okay, on comparing Abraham, Isaac, and Jacob, we see the contrast in their personality, in their character, in their morals. एक का चरित्र कैसा था, किसी का सिद्धांत कैसा था, ऐसे हम देखते हैं इब्राहिम इतना न्यायी, इतना धर्मी, इतना पड़ोसी को प्यार करने वाला, कभी छल कपट ना करने वाला, कितना प्रभु में विश्वास करने वाला, ये व्यक्ति कहा और उसका उसका पोता याकूब कहा। याकूब छल कपट करने वाला, धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, हाँ भाई को भाई के साथ भी ऐसा करने वाला, और प्रभु में इतना भरोसा ना करने वाला, ये सारी बातें याकूब में थी, तो कहाँ इब्राहिम और कहाँ याकूब। फिर भी प्रभु ने उसको चुना, तो फिर भी प्रभु याकूब को यानी वो कृपा देते हैं, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है, एंड गॉड इज स्टिल द गॉड ऑफ ऑल द थिंग्स, इब्राहिम, Isaac and Jacob. Why? Because Jacob also, though he was a sinful man, he still repented and he came back to God. So, you know, विनम्र बने और प्रभु के सामने पश्चाताप किए, प्रभु ने काम किया। तो ये थीम क्या है, इसमें क्या समझने को आता है कि Jacob's life is a boy. क्या दर्शाता है कि प्रभु दयालु ईश्वर। हाँ याकूब ने गलत किया, याकूब को भी झेलना पड़ा, ये सब गॉड ऑफ जस्टिस उसको झेलना तो पड़ा, पर प्रभु का न्याय किसी को उनके प्यार या दया से वंचित नहीं करता, प्रभु दया न्याय करता है, न्याय में भी प्रभु दया दिखाता है। तो क्या इसका मतलब क्या कि इवन आवर शॉर्टकमिंग्स, हमारे गलतियां पाप भी प्रभु से हमें दूर नहीं कर देता है, हमारे मिस्टेक, इन आवर मिस्टेक्स आल्सो वी विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंस, ट्रू, बट इन आवर मिस्टेक आल्सो गॉड विल रिवील हिज मर्सी। So his ways are so mysterious. हमारे इंसानी में अंडरस्टैंडिंग या बुद्धि के अनुसार ये नहीं है। ऐसा ही when you come to God, do not trust in the Lord with all your heart. Do not rely on your own understanding. So final, the conclusion is, sin will bear its consequences, but God will not leave you alone. And nobody is outside the circle of God's mercy. If you repent, God will help you prosper. And God does not remember your past when you come today to God, He will bless your today and your tomorrow. Amen. Jai Shri. Praise the Lord. Again, the agli bar hum aapko batayenge kya kya, par agli bar Yusuf ki kahani se hum padhenge aage. Okay, to hum batayenge kitne adhyay karna hai. Aur aaj hum permission mein waqai mein aur Yaakov ki zindagi se hame bahut kuch seekhne ko mila hai. तो कि भले ही हम भी याकूब की तरह लड़खड़ाए होंगे, भटक गए होंगे, प्रभु के पास आना है और जाने कि परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता और हमारे जीवन में भी महान कार्य करेगा। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। God bless you.